दोस्तों, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका भी ना न्यू एटीएम कार्ड अभी अभी रिसीव हुआ है? तो कैसे हम इसका पिन जनरेट करेंगे, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपसे बातें करेंगे और कैसे जनरेट होगा पूरा लाइव प्रोसेस आपको दिखाएंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले क्या होता था कि पिन वगैरह हम लोग का एटीएम के साथ आता था, बट अब एटीएम के साथ पिन नहीं आता है। अब हमें विजिट करना होगा नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन पे, यानी जो आपके आसपास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन हो वहाँ पे चलना होगा। और चलने के बाद हम लाइव बता रहे हैं कैसे क्या करना होगा। तो चलना है तो साथ में कुछ चीज़ें लेकर जाना है, जैसे कि आपको अपना बैंक पासबुक लेना है, नया वाला एटीएम कार्ड लेना है और जो मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर लेना है। और मोबाइल रिचार्ज होना ज़रूरी है ताकि आपके उस नंबर पर ओटीपी आएगी और आपका वेरिफिकेशन हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर एटीएम पर चल के आपको सारा कुछ लाइव दिखाते हैं। जो बातें मैंने बताया आप गौर करिएगा उन बातों पर, उतना डॉक्यूमेंट लेकर चलिएगा एटीएम मशीन पर, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं ना दोस्तों फिर कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन हो वहाँ पर आपको सबसे पहले चलना होगा, ठीक है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही एटीएम मशीन पर आपका पिन जनरेशन हो पाएगा। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद आपको अपने एटीएम मशीन मतलब एटीएम का जो मशीन रूम होता है उसके अंदर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे ना तो जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ एरो के हिसाब से आप चलिएगा। इस तरह से एटीएम पकड़ना है, चिप आगे की तरफ हो जैसा कि देख पा रहे हैं, और एटीएम को इस बॉक्स में लगा देना है एटीएम कार्ड को। जैसे इस बॉक्स में लगा देंगे कार्ड अंदर रुक जाएगा, आपको बस यहाँ पर डिस्प्ले पर ध्यान देना, कार्ड आखिरी में मिलेगा अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा एप्लीकेशन आईडी, तो आपका यदि पूछे इस तरह से तो डोमेस्टिक वाले ऑप्शन को चूज करना है जो बाएं तरफ आपको दिख रहा होगा। कहीं कहीं स्क्रीन टच वाला एटीएम होता है तो टच कर देंगे तो डोमेस्टिक वाले पे तो कार्य कर जाएगा, नहीं तो उसके सामने बटन है तो बटन दबा दीजिए। थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे और प्रतीक्षा करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने न्यू पेज अभी आ जाता है, तो जिसमें पूछा जाता है आप अपनी भाषा जो आपकी सरलतम भाषा उसे चूज करिए। तो इंग्लिश या हिंदी जो भाषा आप कंफर्टेबल हो ले सकते हैं तो इंग्लिश ही मैं चूज करने वाला हूं। तो इंग्लिश वाले भाषा पे मैंने यहां पे टच कर दिया, ठीक है? जैसे मैंने इस पे टच किया इंग्लिश वाले भाषा पे तो हमारे सामने आ गया डियर कस्टमर प्लीज़ सेलेक्ट ट्रांजेक्शन। यहां पे हमसे ट्रांजेक्शन पूछा जाएगा किस तरह का ट्रांजेक्शन आप करना चाह रहे हो। तो पिन जनरेशन लेना है, बाएँ साइड पिन जनरेशन है ना उसी पर लेना है। कहेगा प्लीज़ इंटर योर अकाउंट नंबर, तो मैंने बोला था आप अपना पासबुक लेके जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं लेके गए होंगे, उसमें से देख के अपना खाता संख्या भरना है। खाता संख्या भरने के बाद करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? नीचे बटन होती है वहीं से खाता नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद कहेगा 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप अपना भरिए, तो आप मैंने बोला था मोबाइल लेकर जाने के लिए तो मोबाइल आप ले ही गए होंगे जो आपके बैंक से लिंक है वो नंबर यहाँ पर खाता संख्या सॉरी यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर भरिएगा। भरने के बाद करेक्ट करिएगा और फिर से थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे की तरफ नया पेज अभी बन कर आएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि योर ट्रांजेक्शन कंप्लीट, मतलब ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। तो हमें क्या करना है, पर्ची एटीएम मशीन से मिलेगी तो पर्ची ले लीजिए, पर्ची ना होगी तो नहीं मिलेगी। और पर्ची यदि मिले तो ले लीजिएगा और अपना एटीएम कार्ड बाहर निकाल लीजिएगा। एटीएम कार्ड आप जैसे बाहर निकालेंगे और पर्ची ले लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल खोलना है। मोबाइल खोलेंगे तो एक कोड आया होगा आपको जो अंग्रेजी में लिखा होगा, जैसे THRWE5VETWOZERO ऐसे लिखा होगा, यही आपकी OTP है, वन टाइम पासवर्ड, इसे नोट करिएगा। नोट करने के बाद दोबारा से एटीएम मशीन के अंदर जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद अपने कार्ड को दोबारा से यहाँ पे लगा देना होगा। जैसे कार्ड को आप दोबारा से यहाँ पर लगाते हैं OTP आने के बाद ही आपको अंदर जाना है, ठीक है? कार्ड लगाएंगे कार्ड रुक जाता है, सेम वही प्रक्रिया होगी जैसे पहले हुई थी। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और नया वाला पेज आएगा। डोमेस्टिक इंटरनेशनल फिर पूछ सकता है, पूछे तो दोबारा से भी आपको डोमेस्टिक वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है? और उसके बाद जैसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर से आपको कुछ नए तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। भाषा चुनना है, भाषा आप इंग्लिश या हिंदी जो भाषा चाहें ले सकते हैं, तो हम इंग्लिश भाषा के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बैंकिंग पिन जनरेशन क्विक कैश 3 ऑप्शन फिर आपको दिखेगा, इस बार पिन जनरेशन पर नहीं क्लिक करना है, इस बार बैंकिंग पर क्लिक करना है क्योंकि OTP आ गई है, बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। बैंकिंग के पर क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा ट्रांजेक्शन आप करना चाह रहे हो, तो आपको जानते हैं कहाँ पर जाना है आपको। आप देखेंगे दाहिनी तरफ तो पिन चेंज का एक ऑप्शन सबसे नीचे देखने को मिलेगा, पिन चेंज, तो इस पिन चेंज वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप पिन चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा, क्योंकि पूरा डेटा आपका लोडिंग करता है और उसके बाद ही ऑप्शन नया वाला सामने भेजता है। तो हम पिन चेंज वाले ऑप्शन पर टच कर देते हैं। एटीएम टच वाला है तो टच करेंगे, बटन वाला है तो बटन दबाएंगे, इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि 25 से 99 के बीच में कोई संख्या डालिए, 10 से 99 के बीच में, तो कोई दो अंक भर दीजिएगा। मैं 44 भर दिया। 44 भरने के बाद यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यस वाले पर करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, प्लीज़ एंटर योर करंट पिन। तो जो आपकी ओटीपी आई है ना वही यहाँ पर डालिएगा, वही आपका प्रेजेंट टाइम में करंट पिन बना हुआ है। तो ओटीपी जो आई थी वही भर दीजिए। भरेंगे तो अपने आप दूसरा पेज आएगा और इस पेज में लिखा है प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। तो जो आपको 4 अंकों का पिन बनाना है, जो हमेशा के लिए बना के रखना है, वह 4 अंकों वाला पिन यहाँ पर डाल दीजिए जो हमेशा के लिए आपको रखना है। तो यहाँ पर 4 अंक मैंने डाल दिया। डालने के बाद कुछ दबाना नहीं है, ऑटोमेटिक नया पेज आएगा आपका। और आगे ऑटोमेटिक नया पेज अब कह रहा है री इंटर योर न्यू पिन। तो जो नया नया पिन आप बना रहे हैं हमेशा के लिए ना, वही पिन दोबारा से यहाँ पे दे देना। तो देखिए मैंने वही पिन दोबारा से दे दिया, कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे पूछता है। तो जैसे मैंने इस पिन को दोबारा से भरा तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक कुछ कहीं दबाना नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर न्यू पेज अभी बनकर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो लिख रहा है ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड प्लीज वेट, मतलब थोड़ा सा इंतजार करिए। और अभी यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गया। और इस पिन को घर जाके लिख लीजिएगा जो पिन आपने बनाया है, और आपका पिन कम्प्लीट हो गया, बन चुका है एटीएम कार्ड का पिन। अब पिन बन जाने के बाद अब आप यहाँ पर अपना कार्ड निकाल लीजिए। कार्ड निकालने के बाद एटीएम मशीन के जब आप कीबोर्ड में ताकेंगे तो यहाँ पर कैंसिल या क्लियर की बटन होगी, लाल वाली बटन को दबा दीजिएगा और एटीएम मशीन से आप बाहर निकल सकते हैं। और आपका पिन रेडी है, आप पैसा निकाल सकते हैं, जो कार्य करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।